इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी एमए में लागू कर दी गई है। अब इसमें एमए इकोनॉमिक्स में सेकेंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, सर्वे वर्क और इसी पे वाइवा है। तो ये अनिवार्य है सेकेंड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक जो है वो साधारण सा कानपुर नगर के संदर्भ में, आलू या गेहूं या धान या मक्का, क्योंकि ये चार प्रमुख कानपुर नगर की फसलें हैं, तो कोई एक फसल आलू के उत्पादन का अध्ययन कानपुर नगर के विशेष संदर्भ में या कानपुर विश्वविद्यालय के जहां पर क्षेत्राधिकार है उसका, वो अपने अपने जिले के जो प्रमुख फसलें हैं, आलू है तो आलू के उत्पादन का विशेष अध्ययन कर ले, या गेहूं है या धान है या मक्का है के उत्पादन का, और यहां पर उसका जो कानपुर नगर लिखा है वो अपने जिले का ही कर ले छात्र, तो अपने जिले का उसके संदर्भ में विशेष संदर्भ में, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, आलू के उत्पादन का अध्ययन कानपुर नगर के विशेष संदर्भ में, या आलू के उत्पादन का अध्ययन फर्रुखाबाद या कन्नौज या इटावा या औरैया या उन्नाव या कानपुर देहात के विशेष संदर्भ में, चाहे गेहूं का करें, धान का या मक्का का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना हमें, तो उसमें ये जो फसलें मुख्य फसलें हैं इसके उत्पादन का इतिहास वैश्विक स्तर पर, कि विश्व में आलू का उत्पादन सबसे पहले कहां हुआ, ये आलू कहां का मुख्य फसल है, या गेहूं धान मक्का इनका इतिहास। अब वो इतिहास कहां मिलेगा, तो वो आपको किताबों में मिलेगा या किसी पत्रिका में मिलेगा, समाचार पत्र में भी मिलेगा, और जो इंटरनेट वेबसाइटें हैं वहां पर तुम्हें इसका इतिहास मिल जाएगा, उसका इतिहास लिखें। फिर उसके बाद भारत के संदर्भ में, भारत में आलू या गेहूं या धान या मक्का जिस विषय को, जिस सब्जी या जिस उपज का उत्पादन का अध्ययन चुना है करने के लिए, उसके संदर्भ में उसके उत्पादन का भारत में इतिहास, तो भारत में आलू के उत्पादन का इतिहास ये भी वहीं पे मिलेगा किताबों पत्रिका और समाचार पत्र वेबसाइटों में। फिर उसके बाद आलू गेहूं धान मक्का इनके उत्पादन की इनपुट्स कौन कौन से हैं, उन सबका वर्णन करो, कौन कौन से इनपुट हैं, जुताई सिंचाई बीज खाद अन्य जो भी है उसमें, सारे इनपुट इसमें लिखिए कि कौन कौन से आलू गेहूं धान या मक्का के उत्पादन के कौन कौन से इनपुट्स हैं। उसके बाद कानपुर नगर में आलू गेहूं धान मक्का की बोई जाने वाली किस्में, कौन कौन सी किस्में यहां पर बोई जाती हैं अपने अपने जिले में, यदि आलू का कर रहे हैं तो अपने जिले में आलू की कौन कौन सी प्रमुख फसलें बोई जाती हैं, गेहूं धान मक्का की, तो ये जहां से ले रहे हैं पढ़ा है तो उसको उस किताब का नाम लिखें, पत्रिका पढ़ रहे हैं तो उस पत्रिका का नाम लिखिए, उस टॉपिक का उस पेज नंबर, इसी प्रकार से समाचार पत्र और वेबसाइट, वेबसाइट का नाम लिखिए, अगर इंटर गूगल बाबा से सर्च कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का वर्णन कीजिए।